Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kaifa halukum? Ki halat wada? Welcome back to another vlog. और जन्नत vlog की teacher वैसे से कह रही है कि भाभी इतना जल्दी जल्दी हाथों को shuffle कर रही है. तो आज का vlog बहुत ज़्यादा interesting होने वाला है क्योंकि अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो मेरे vlog हैं वो food review के आ रहे हैं. तो आज मैं एक और जगह select की है जहाँ पर जा रही हूँ food का review करने. आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़े मज़े के खाने होते हैं. और वो जगह कौन सी है वो आप लोगों के सरप्राइज़ है. वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं आप लोगों को आज कहाँ लेकर आई हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी. तो आप लोगों के सरप्राइज़ जो मैंने कहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो वो आप लोगों को और इंतज़ार नहीं करवाती. मैं आ गई हूँ मून मार्केट लामा इकबाल में. और लामा इकबाल टाउन जो है उसमें है ये मून मार्केट. बहुत ज़्यादा फेमस है खानों के लिहाज से. तो हमने कहा फिर रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बाबा बर्गर के ऊपर आए. ये जो मेन आगे फूड्स की इनकी स्ट्रीट बनी है वहाँ से थोड़ा सा ये हट कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे वाली साइड पर हैं ये लोग. तो ये अभी हम लोगों ने एक बर्गर इनसे कहा है कि हमारे लिए बनाएं. तो देखते हैं फिर कैसा बनता है और फिर टेस्ट कर आपको बताते हैं. गाइस इन्होंने देखे हैं आप क्या नाम है. सबसे पहले जो स्लाइस होते हैं जो हम रोज़ाना ब्रेकफास्ट में खाते हैं वो स्लाइस एंड से उसकी जो भी हैं क्या नाम है वो कट करके और उसके बॉर्डर जो होते हैं उसके बाद इन्होंने क्या थोड़ा सा सॉल्ट डाला है घी के ऊपर. उसके ऊपर अंडा डाला है, ऊपर चिकन जो ऑलरेडी ये पहले कर रहे थे ग्रिल कर रहे थे वो वाला चिकन डाला है. और ये अब देखें क्या नाम है, अब कितना यमी यमी लग रही है. देखें इसमें ये कैप्सिकन भी डाल रहे हैं, मतलब वेजिटेबल्स भी डाल रहे हैं इनका. ये भी है, अब टेस्ट करके बताएंगे कि हमें कितना अच्छा लगता है. देखें ये क्यूकम्बर भी डाल दिए इन्होंने और भी कुछ फ्रेश चीज़ें डाली हैं और साथ ही मायनीज़ वगैरह डाल के. और ये देखें अंडा ऐसे भी आप उल्टा सकते हैं, जो कि हमें हाफ फ्राई अंडा ऐसे उल्टाना नहीं आता. ये भी एक इनकी स्पेशलिटी में ही है. तो ये जो बाबा बर्गर है ये भी यहाँ पर बड़ा फेमस है. तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों को ये भी टेस्ट करवाएँ. हम लोगों का जो सैंडविच हम लोगों ने रेडी करवाया था बाबा बर्गर से वो हमारा सैंडविच चिकन सैंडविच आ गया है. और इस लुक यमी क्योंकि मैंने उठाया है तो वो उठाने में ना इसके एक साइड भी हो गया. तो मैंने कहा अंदर से भी आप लोगों को दिखा दूं थोड़ा सा. तो जितना देखने में अच्छा लग रहा है देखते हैं ट्राई करके कैसा होता है. तो जन्नत चलें फिर स्टार्ट करते हैं. वेरी नाइस गाइस. एक तो गर्म है और दूसरा ये क्या नाम है, अगर आप चाहें तो इनके साथ चिली जो केचप होती है जो उसके साथ खाना चाहते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं. तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा यमी लगी इसलिए इनको मैं 10 में से 9 नंबर दूंगी. और एक नंबर मैं क्यों काट रही हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है. चिकन थोड़ा सा स्पाइसी लेस स्पाइसी है. तो फिर चलते हैं आगे और चीज़ें ट्राई करते हैं. YouTube फैमिली और हम लोग चल रहे थे तो हमने कहा क्या नाम है, पान लवर भी लोग होते हैं अक्सर जो लोग कराची से आते हैं या जो लोग मेरे व्लॉग्स कराची में देखते हैं तो उनके लिए मैंने कहा एक स्पेशल चीज़ मैं क्यों ना दिखा दूँ. तो ये हैं पान वाले. ये देखें इनका नाम भी आप देख लें, ये भी मून मार्केट इकबाल टाउन में है और ये 40 साल से यहाँ पर हैं. तो इन्होंने बनाया मीठा पान. ऑल दो मैंने कभी पान खाया नहीं है लेकिन जो मेरी मदर इन लॉ है वो खाती हैं अक्सर. तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ. वैसे एक दो दफ़ा मैंने उनके साथ टेस्ट किया तो आई नो कि इसका टेस्ट कैसा होता है. तो मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा है, कि आप लोगों को आकर यहाँ से ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ. और उसके बाद फिर इंशाल्लाह और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं. वैसे मैंने कभी खाया नहीं पर मुझे मज़े का लग रहा है, बहुत यमी है. और इसको मैं मार्क्स की अगर बात की जाए तो मैं इसको नंबर में से 10 में से 10 दूंगी. हालांकि मुझे इतना पता नहीं है पर वो टेस्ट बहुत अच्छा है और इनका एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 40 साल से ये लोग बना रहे हैं. तो आप लोग भी जब भी आए तो ज़रूर ट्राई करना ना भूलिएगा. सो गाइस मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाई जाए क्योंकि अक्सर मेरी बहनें आती हैं तो कहती हैं कि हम लोग वहाँ पर खाना तो खाने जाएं लेकिन हमें कुछ ख़रीदारी में भी कोई चीज़ वहाँ पर आसपास है. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें बच्चों के कपड़े भी हैं, जिसमें आपको चूड़ियाँ बैंगल्स हर तरह की चीज़ें, बड़ों के कपड़े अनस्टिच स्टिच हर चीज़ यहाँ पर मिलती है. टॉयस भी बहुत ज़्यादा है, ज्वेलरी भी है. ये देखिए यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं ज्वेलरी के.
तो वो भी हम लोग आपको दिखाते हैं, क्योंकि कुछ ही महीने रह गए हैं ईद आने में। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब ईद आने वाली होती है तो हम सब लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें चूड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, हमें बैंगल्स अच्छे अच्छे कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि मेहंदी के स्टॉल्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये देखें, ये कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लेडीज़ की हैं, हेयर बैंड, इस तरह के बैंड तो मैं ढूंढ भी रही थी, पहले मुझे मिले नहीं, लेकिन देखिए अब इनके पास हैं। तो अब चलते हैं आगे और चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। देखिए शर्ट्स भी हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा, ये एक ज्वेलर की शॉप भी है, अगर आप लोगों की शादी होने वाली तो आप लोग यहाँ से ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं। और ये देखें सामने, और ये बैग देखें कितने क्यूट क्यूट बैग यहाँ पे लगे हुए हैं। देखें क्या नाम है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से आहल के लिए ये बैग खरीद लूँ, कितना मज़े के। और ये देखें नीचे और भी बड़े बड़े मज़े के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के, पिंक कलर के, स्पाइडरमैन वाले, और हर तरह के इनके पास बैग्स भी हैं। तो मून मार्केट आए और सैलेड खाए बिना चले जाइए, कैसे हो सकता है। और ये सैलेड यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत मशहूर सैलेड है वो, क्योंकि मुझे कैसे पता है आप लोगों को होगा कि कैसे कह सकती है कि ये सैलेड अच्छी है। वो इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं जन्नत के घर आती हूँ तो वो अक्सर ना अंकल जब आते हैं हमारे लिए कोई खाने पीने की चीज़ें लेने, तो साथ में ना ये जो रशियन सैलेड है वो भी हमारे लिए लेकर जाते हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि ये सैलेड अच्छी है। तो इसका नाम है कादर, फ्रूट स्पेशलिस्ट है ये बंदा यहाँ की सैलेड में। और ये आप इतनी छोटी सी इसके सेटअप को ना देखें, इसके टेस्ट को मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही यमी है। ऑलरेडी मैंने इसकी सैलेड खाई हुई है, लेकिन अभी मैं एक मिक्स सैलेड बनवाने लगी हूँ, इसे छोटी सी बनवाऊँगी जो मैं खा लूँ। और जन्नत से पूछते हैं, जन्नत आप इस साइड पर आ जाओ मेरे साथ। जैसा आप यहाँ पर आती हो, आपने कभी यहाँ से खाई है सैलेड? वैसे मैं तो जब भी आती हूँ आपके घर पे ही अंकल लेके जाते हैं, वहाँ पर ही हम खाते हैं। यहाँ पर आकर कभी खाई है? मुझे सैलेड पसंद नहीं, मुझे सैलेड पसंद नहीं, मुझे सैलेड पसंद नहीं। जन्नत को सैलेड पसंद ही नहीं, बच्चों को सैलेड पसंद होती है, उनको बर्गर, सैंडविच और फ्राइज, इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। हम आगे जन्नत की जो जो फेवरेट चीज़ें हैं यहाँ से, वो तो ज़रूर हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो मैंने कहा क्यों ना उससे पहले मैं अपनी चीज़ें थोड़ी सी फेवरेट ट्राई करूँ। तो चलें हम फिर आपको दिखाते हैं मेकिंग, और फिर क्यों आपको ना टेस्ट करके बताते हैं कैसी है। ये जो इसकी सॉसेस इन्होंने ऊपर डाली हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा यमी लग रही है। और मैं इसे 10 में से 10 दूंगी, तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि मैं यहाँ पर एक नंबर भी काटूंगी, क्योंकि वो नाइंसाफ़ी होगी कि बहुत टेस्टी है। तो ये मैं अब अपनी सैलेड ख़त्म कर लूँ, तो फिर आप लोग चलें और आप थोड़ा सा बाजार देखें, यहाँ की और चीज़ें देखें। खाने पीने की बातें हो रही हैं और खा भी रहे हैं, कहीं से कुछ ट्राई करें, कहीं से कुछ ट्राई करें, कहीं से आपको कोई चीज़ शॉप करने के लिए दिखा रहे हैं, कहीं से कोई मज़े की चीज़ें दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक शॉप मिली है जो एक बहुत ही अमेजिंग सी शॉप है, बहुत ही वेल मतलब डिकोर शॉप है, और इसके अंदर इतनी मज़े के घर को डिकोर करने वाली चीज़ें हैं। तो मैंने कहा क्या नाम है, ये थोड़ा सा मुझे यूनिक लगा, क्योंकि हमारे ब्लॉग्स में हमेशा मतलब कि शॉपिंग और इस तरह की चीज़ें हम लोग दिखा रहे होते हैं, लेकिन घर से रिलेटेड चीज़ें हम लोग नहीं दिखा पाते। लेकिन ये जो यहाँ पर मुझे शॉप मिली, इसमें बहुत अमेजिंग है। ये ऊपर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर कितने खूबसूरत लैम्प हैं, ये देखिए कितने अमेजिंग लैम्प हैं, और ये देखिए स्टैंड कितने खूबसूरत हैं। ये देखें ये क्या नाम है,
कुछ 2500 के हैं, कोई 2000 के हैं, कोई किस तरह मतलब इतनी ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं है इनकी। एक वॉच मैंने देखी थी वो 1000 की है, और इस तरह ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें क्या नाम है, जब आप आएंगे लोहे महफूज हो अल्लाह के नाम और आप सल्लम के नाम पर दुरूद शरीफ, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई भी हैं। और साथ में ये देखें कितने यूनिक दो पीस हैं, ये जो वाइट और ब्लू है क्या नाम है, कितने रेयर मिलते हैं। ऊपर ये जो ब्लैक तीन लगे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत शॉप है। ये भी मून मार्केट के अंदर ही है, मैकडॉनल्ड के अपोजिट साइड पे। तो आप लोग आएँ और यहाँ से शॉप करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें ये देखें। आप अक्सर बर्थडे वगैरह के लिए इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आप लोग केस ढूंढ रहे होते हैं और आप लिबर्टी में जाए तो ये हज़ारों में मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं लेकर भी गई थी लिबर्टी में, प्राइस पूछा भी थे, और मैंने वहाँ से कुछ मुझे लोगों ने गिफ्ट किए थे केज, तो वो आप लोग यहाँ पर देखें। यहाँ पर कितने अमेजिंग केज हैं, ये पूरा ये तीन का सेट है। ये तीन का सेट कितने का है? 1250 का तीन का सेट, और बहुत ही नीट काम हुआ, ऐसा नहीं है क्या नाम इसमें काम रफ हुआ हो या कुछ, मतलब कि काफ़ी एक्सपेंसिव लगते हैं देखने में। अगर आप अपने घर पे रखेंगे तो आप कोई बर्थडे करो, आप इसे थोड़ा सा डिकोर करने की ज़रूरत है। बकाया सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं इनके पास। तो मैं तो यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ शॉप करने आऊँगी, और शायद मैं भी कुछ ना कुछ शॉप करके जाऊँ। लेकिन आप लोगों ने जब आना है तो यहाँ पर आएँगे, आई एम श्योर कि आप लोगों को ये देखें ज्वेलरी बॉक्स कितने खूबसूरत खूबसूरत हैं इनके पास। आप ज्वेलरी बॉक्स ये देखें, आप मेकअप बॉक्स हो गए, छोटे छोटे जो आप ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं। अगर आप कहीं आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो देखें ना, आप इसमें अपनी चीज़ें डालें और आपका मेकअप वगैरह भी वो ना टूटने का डर ना कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ें, ये देखें मॉडर्न मॉडल वगैरह भी रखे हुए हैं इन्होंने। ये देखें आटो का मॉडल कितना खूबसूरत मॉडल है, ये भी आप अपने टेबल पर रख सकते हैं, ड्राइंग रूम के टेबल पर रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये देखें भी है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जो इनकी पूरी एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है मून मार्केट मेन पर, मस्जिद की बैक साइड पे ये है। यहाँ पर हर चीज़ आपको मिलती है, यहाँ पे आपको बेवरेज में सोडा हो गया और फ्रेश जूसेस हो गए वो भी मिलते हैं, बर्गर हो गए और शॉर्मा वगैरह हो गया, साथ में तवा पीस है, सैलेड है, हर चीज़ यहाँ से मिलती है। चाइनीज़ आपको खाना है वो भी मिलता है, और कॉन्टिनेंटल मतलब चाइनीज़ कुजीन, कॉन्टिनेंटल जो भी आपको खाना है हर चीज़ मिलती है। तो अब हम करने वाले ये है कि जैसे बीफ ग्रिल बर्गर है, या वो क्या नाम है शामी, एक यहाँ पे शॉर्मा बनाते हैं, एक यहाँ पर बैठते हैं भाई और एक उधर आगे बैठते हैं, तो हम दोनों से ऑर्डर करने वाले हैं और फिर दोनों की टेस्ट कर आपको बताते हैं बर्गर भी और शॉर्मा भी कि हम लोगों को कैसा लगता है। तो अब हमारे साथ रहिए, तो फिर देखते हैं, हम बताएंगे कि किसका टेस्ट बेटर है, ये बीफ ग्रिल बर्गर वालों का या फिर आगे जो है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो अभी मैंने शामी बर्गर, ये स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर, इनके कॉर्नर जो इन्होंने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया उसके ऊपर लिखा भी हुआ है शामी बर्गर, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ ही है बीफ ग्रिल बर्गर वाले। तो अभी हम पहले शामी बर्गर यहाँ से बनवाएंगे, उसके बाद बीफ बनवाएंगे, उसके बाद दोनों हम ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। तो अभी जो है शामी ग्रिल बर्गर जो है हमारा वो अभी रेडी हो रहा है, तो उसकी मेकिंग आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे बर्गर की भी दिखाती हूँ। तो आए फिर देखते हैं मेकिंग। तो शामी बर्गर हमारा हो गया रेडी, आपने मेकिंग भी देख लिया, टेस्ट हम दोनों साथ में करेंगे, बताएंगे किसका बेटर है, उनका बेटर है कि इनका बेटर है। तो अभी हम आ गए बीफ ग्रिल बर्गर पे, तो अभी ये बीफ ग्रिल बर्गर हमारे लिए रेडी होने वाला है। और ये ग्रिल देखें कैसे मज़े से, नीचे कोयले रखे हुए, ऊपर पूरी ग्रिल रखी हुई है, साथ में कुछ वैसे फ्राइड चिकन जो लोग खाते हैं उनके लिए फ्राइड चिकन भी है। लेकिन हम लोग पहले बर्गर ट्राई करेंगे, अभी इसकी मेकिंग देखते हैं कि ये कैसे बनता है, उसके बाद फिर दोनों इंशाल्लाह टेस्ट कर आप लोगों को बताते हैं।
गाइस महंगा वर्सेस सस्ता बर्गर अभी हम करेंगे इसका रिव्यू, लेकिन इनका नाम जो है वो है ये शामी बर्गर और वो जो है वो बीफ ग्रिल बर्गर है। तो अब हम दोनों टेस्ट करके बताने वाले हैं कि ये कैसे हैं, और क्योंकि ये दोनों साथ साथ ही हैं तो जो लोग आते हैं तो उनको कौन सा ट्राई करना चाहिए, शामी करना चाहिए कि ये करना चाहिए। तो अब जन्नत शुरू करेगी फ्राइज से, नहीं हम डायरेक्ट आएंगे किसे बर्गर से। तो जन्नत स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक आप ले लो एक मैं ले लेती हूँ। पहले ट्राई करते हैं ये वाला महंगा वर्सेस वो जो महंगा है वो मुझे ज़्यादा खुशियाँ मिले लग रहा है सस्ते से, लेकिन मुझे लगता है सस्ता ये भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इतने प्राइस में डिफरेंस नहीं है पर अच्छे हैं दोनों। जूसी है, मज़े के, कैसे भी इसके अंदर डाली हुई इसने मैंने नहीं डाली। इसके अंदर भी पास से दिखाओ, आप पास से दिखाइएगा। ये देखें इसके साथ सैलेड दिए हैं, उन्हें फ्राइज दिए हैं और साथ में ये काफ़ी सारी अंदर चीज़ें डाली हुई हैं। तो क्या नाम है, काफ़ी जूसी लग रहा है ये भी। तो आए फिर इसकी तरफ चलते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों वैसे के हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन अगर टेस्ट के लिहाज से देखा जाए तो दिस इज मच बेटर देन उससे वो ये ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैं क्या नाम है 10 में से 10 देती हूँ, और ये जो है इसको मैं 10 में से 8 देती हूँ, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा पैसे खर्चते हो 400-500 का बर्गर लेते हो और वो भी फिर आपको वैसा टेस्ट ना मिले, तो उससे तो बेटर यही है ना भाई 130-120 का बर्गर खा लो, एटलीस्ट टेस्ट तो मिल रहा है ना। तो और एक दो चीज़ें भी हमने ऑर्डर की हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं कि वो बनाते भी आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह हमने सैलेड वगैरह मिक्स करवाई और साथ फिर उनका भी रिव्यू करते हैं। सो गाइस हम लोगों ने पहले भी सैलेड ट्राई की, लेकिन यहाँ पर एक दो और भाई बैठे हैं जो सैलेड क्या नाम है यहाँ पर फ्रोथ कर रहे हैं, तो मैंने कहा इन दोनों की भी ट्राई करते हैं कि किसकी बेटर है। ये मैं हूँ और ये जन्नत है और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो ये सैलेड जो है ये मेन मस्जिद की बैक साइड पे है, अलामा इकबाल टाउन मार्केट जो है ये इनकी फूड सीट, उसमें एक सैलेड जो है ये भी हमने ली है जो तवा पीस यहाँ पर एक ही बंदा लगाता है, उसके राइट साइड पे एक और लेफ्ट साइड पे दूसरे, तो हमने दोनों से ले लिए। तो अब दोनों को ट्राई करके बताते हैं कि किसकी अच्छी है। दोनों का कोई नाम नहीं है, बगैर नाम के हैं दोनों भाई। और एक भाई जो 2001 से लगा रहे हैं और एक भाई कह रहे हैं कि मुझे 10-15 साल हो गए लगाते हुए। तो चलो पहले ट्राई करते हैं ये वाली। आलू आ रहे हैं मुंह में, ये इतनी खास नहीं लग रही, ये थोड़ी यम्मी लग रही है। कैसी है जन, कैसी है? ठीक है। इसमें जो ऊपर अलबखारे की बदर कौन सी चटनी है मीठी मीठी, वो चटनी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसमें है क्या नाम है, एक तो उसने फ्रूट भी बहुत ज़्यादा कम डाले हैं, आलू जो बॉयल किए होते हैं वो बहुत ज़्यादा डालती हैं, और जो चटनी है इसके पास इसने 3 चटनियाँ मिक्स की हैं और इसने 2 की हुई हैं। इसको मैं 10 में से 10 देती हूँ और इसको मैं दूँगी 10 में से 7। आप बताओ आपको कौन सी अच्छी लगी है? ये वाली अच्छी। कितने मार्क्स दोगे आप? 10 में से 8। 10 में से 8 क्यों नहीं? क्योंकि वो सैलेड लवर नहीं है ना, तो इसलिए। और ये वाली जो है ये भी अच्छी लगी है। और जनत ने पहले जब हमने अंदर व्लॉग शुरू में हम लोगों ने एक जगह से वहाँ से सैलेड ट्राई की, तभी कहा था कि भाभी मुझे बिल्कुल ही पसंद ये, आप मुझे बर्गर फ्राइज सिर्फ चीज़ से ट्राई करवाइएगा वो मैं आपको अच्छे अच्छे रिव्यू दूँगी। तो वो ऑफ कैमरा मुझे बता दी थी कि भाभी इसका अच्छा यहाँ से ट्राई करते हैं, तो चलें फिर कुछ और भी ट्राई करते हैं और ये चीज़ें यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। तो हमने कहा गोलगप्पे खाए बिना हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से, तो अभी है यहाँ पर एक गोलगप्पे वाले, इनके हम ट्राई करेंगे, उसके बाद एक आगे भी हैं उनके भी हम ट्राई करेंगे। तो दोनों के हम एक जगह पे ऑर्डर करने वाले हैं और ट्राई करके आप लोगों को बताने वाले हैं कि किसके बेटर हैं। और आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, पहले भी आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि हम लोगों ने गोलगप्पे वगैरह जैसे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे फेस्टिवल वाले,
उसमें हमने दिखाया था क्या नाम है एग्जीबिशन में जो मैं लेकर गई थी आप लोगों को कि कैसा टेस्ट है, लेकिन आज ही होने वाला है कि मैं और जो है मेरे साथ जन्नत हम दोनों कॉम्पिटिशन करेंगे कि किसके सबसे पहले ख़त्म होते हैं। तो लेट्स सी, तो अब ये बन रहे हैं हमारे गोलगप्पे और जब प्लेट उधर आते हैं तो फिर हम आपको वो सारा दिखाते हैं और दूसरी जगह से भी हमने ऑर्डर कर दिए तो दोनों को आपको टेस्ट करके बताते हैं किसके बेटर हैं। तो गोलगप्पे हमने ऑर्डर कर दिए, एक ने हमें दिए साथ में ये चटनियाँ और एक पानी का जग, इनका सेम ही है और ये ब्लू प्लेट में इसने हमें दिए हैं, और दूसरे ने हमें दिए ये जो है जैसे आप बारबेक्यू के साथ भी चटनी खाते हैं उसके साथ, और एक मीठी चटनी है इनकी और ये साथ में ही है, और पानी के दो जग मिले हमें, एक फुल मिला है और एक लोगों ने क्या नाम है इसमें मीठा पानी जो है वो अलग से दिया और वो थोड़ा सा कम दिया। तो अभी क्या नाम है जन्नत के ये वाले हो गए और मेरे ये वाले हो गए, तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या नाम है कौन पहले ख़त्म करता है। ठीक है जन्नत, अब मुकाबला कौन जीतने वाला है? मैं। मुकाबला भी देखेंगे कौन जीतने वाला, टेस्ट करके बताते हैं कि दोनों की कौन सी सही है। तो जन्नत ने कह दिया कि वो जीतने वाली है, मुझे लगता है वही जीतेगी। देखो क्या नाम है जन्नत ने सारे फिनिश कर दिए, जन क्या कह रही हूँ मैं जीत गई। हाँ जन्नत ने पहले ही कहा था वो जीत जाएगी, वो जीत गई। मेरी आंखों से पानी आ रहा है, गले में इतना ज़्यादा वो खट्टा पानी लग के, मुझे पीना नहीं चाहिए था पर मैंने इतना ज़्यादा पी लिया और मेरे पास स्टिल अभी भी इतने पड़े हुए और जन्नत का एक रह गया। चलो जन्नत तुम जीत गए मुकाबला, और मैंने ये वाले भी टेस्ट किए, दोनों की यमी है, 10/10 है दोनों। जब भी आए गोलगप्पे खाए बिना नहीं जा रहा। ये देखें यहाँ पे जितनी भी जरूरी है सारी 100 रुपये में ना इन्होंने सेल लगाई हुई, तो 100 रुपीज़ में आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये जितने भी इयर रिंग्स लगे खूबसूरत ये सारे आप ले सकते हैं। चलते चलते ये देखें हमें दानियाल भी मिल गए हैं। दानियाल यहाँ पर अपनी शर्टें वर्टें देने आए हुए थे, तो उसने कहा कि क्यों ना हम लोग जाकर इनको ज्वाइन करें और बताएँ क्या नाम है कि ये लोग क्या कर रही हैं यहाँ पे। तो दानियाल आपने कुछ ट्राई किया है आज? हमने तो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की हैं। मैं तो सरप्राइज हो गया आपको देख के, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं अपनी शॉपिंग पे आया। आप अपनी शॉपिंग पे आए थे तो हम लोग भी निकले थे फूड के कुछ रिव्यू करने और लोगों को मून मार्केट इकबाल टाउन दिखाने निकले हुए थे, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देख कर हमें सरप्राइज हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पर खुशियों की ये लगी हुई है। तो ये देखें यहाँ पर बैंगल्स हैं, हर तरह की प्लेन बैंगल्स भी हैं क्योंकि ये अक्सर कम मिलती हैं आपको इस तरह की, ये जो ब्लैक होगी वाइट होगी, क्योंकि आप सिल्वर वगैरह जो होती हैं आप जीन्स टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हो, तो ये सिंपल जो बैंगल्स होती हैं। अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो सॉन्ग करने गई थी तो मुझे ना ये जो प्लेन बैंगल्स हैं ये नहीं मिली थी गुलबर्ग से ना, तो अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मिलती है, उन्होंने तो सेट भी बना कर रखे हुए हैं। सो माई YouTube फैमिली, आई होप कि आज आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा फूडी और जब मैं इस तरह के फूड रिव्यू वाले व्लॉग्स बनाने जाती हूँ तो मेरी खुशी की कोई एक्साइटमेंट नहीं रहती, मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी जाऊँ और अच्छे अच्छे खाने टेस्ट करूँ। तो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा और जब कभी आप मेरे व्लॉग्स तो इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग जब भी आएँगे यहाँ पर मून मार्केट लामा इकबाल टाउन तो जब आप यहाँ से फूड ट्राई करेंगे और जो चीज़ें मैंने आपको ट्राई करवाई हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए आने वाले व्लॉग में जिसमें हम और मज़े के खाने ट्राई कर रहे होंगे और कहीं और होंगे, तो तब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे से एनर्जेटिक से नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।